नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान के विपक्षी दल जमीयत उलेमा इस्लामी फजल के नेता फजल रहमान ने पीओके को लेकर मोदी की मंशा पर सवाल उठाते हुए इमरान खान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू शहर में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पाकिस्तान के पैबंद लगे तहमद और ज्यादा फट गए। फजलू ने कहा कि इमरान मुगालते में ना रहे, भारत पीओके को लेकर अपनी तैयारियां पूर्ण कर चुका है। पहले हम सोचते थे श्रीनगर को कैसे ले पाएंगे, अब सोचते हैं मुजफ्फरबाद को कैसे बचाया जाएगा। भारत हर बीते दिन के साथ पीओके पर अपनी घेराबंदी मजबूत करता जा रहा है। वह दिन दूर नहीं है जब मोदी की क्यादत में पूरा पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने एक बड़ा ऐलान यह भी किया कि पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे इस गोरबचेव के पास गिनती के दिन ही बचे हैं, पर जाने से पहले इमरान खान पाकिस्तान का पलीता लगाने की तैयारी कर चुका है। दरअसल इमरान खान को गोरबाचेव कहने का मतलब उसकी तुलना सोवियत संघ के मिखाइल गोरबाचेव से की गई है। गोरबाचेव के राष्ट्रपति रहने के दौरान ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। फजलुर के इस बयान से यह भी साबित हो जाता है कि पीओके पर भारत के एक्शन की आशंका से किस कदर घबराहट व्याप्त है। यह डर केवल विपक्षी दलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष में भी दहशत का माहौल है। इस आशंका में कल उस वक्त आग में घी डालने का काम हुआ जब भारत ने एलएसी के अज्ञात स्थानों पर स्वदेशी लड़ाकू एयरक्राफ्ट तेजस को तैनात कर दिया। इस तैनाती में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि सेना के चुनिंदा अधिकारियों को ही तेजस की लोकेशन की जानकारी है, यानी भारतीय सेना की मंशा से पूरे पाकिस्तान में अचानक से खलबली मच गई है। फजलू ने जो डर प्रकट किया है वह अकारण भी नहीं है, बल्कि उसके पीछे उनका अपना लॉजिक मौजूद है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के आदेश को स्वीकृति दी थी, जिसकी तारीख 18 अगस्त तय हुई थी, पर 18 अगस्त अब गुजर चुकी है और यह चुनाव को लेकर कोई भी सरगर्मी नहीं है। पाकिस्तान तयशुदा तारीख में जीबी में इलेक्शन नहीं करा सका। यह इसलिए हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दी थी कि भारत के हिस्से में कोई भी राजनीतिक गतिविधि और निर्माण उसे स्वीकार नहीं है। अब भारत के इस बयान से पाकिस्तान डर गया या फिर किसी दूसरे रास्ते से इमरान को डंडा चढ़ाएगा, वह अभी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में इमरान द्वारा अपने फैसले से कदम खींचने से उन पर बड़े आरोप खुद पाकिस्तानी ही लगा रहे हैं। यह सुनकर अचंभा होता है कि इमरान को मोदी से मोटी रकम चढ़ावे में मिल रही है। पाकिस्तान में चर्चा है कि इमरान खान पिछले दरवाजे से भारत की मदद कर रहे हैं, जिसमें मोदी की तरफ से उन्हें बहुत बड़ी रकम दी जा रही है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनके पास इसके मजबूत तर्क भी मौजूद है। वे कहते हैं जो मसूद अजहर 15 सालों में वैश्विक आतंकी घोषित नहीं हुआ, इमरान के कार्यकाल में यह काम आसानी से हो गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 नवाज शरीफ के कार्यकाल में भी हटाई जा सकती थी, मगर मोदी सरकार ने उसका टाइम इमरान सरकार में सेलेक्ट किया। उससे भी चौंकाने वाला खुलासा यह है कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद पकड़े गए विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को इमरान 48 घंटे भी नहीं रोक पाए। उन्होंने बहुत ही आसानी से उन्हें भारत के हवाले कर दिया। इसके साथ ही इमरान विरोधियों के पास तर्कों की भरमार है। इमरान खान ने बहुत ही गंभीरता से पाकिस्तान में 40,000 आतंकी होने की बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में स्वीकार की थी, जिससे पाकिस्तान को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। उन्होंने यह कहकर पाक फौज को निक्कर पहनने को मजबूर कर दिया कि अफगानिस्तान में तालिबान को प्रशिक्षण देने में पाक आर्मी की भूमिका रही है। यह सब काम इमरान खान ने अपने 2 साल के कार्यकाल में ही किए हैं, जबकि इमरान खान को पाकिस्तान में अच्छा प्रवक्ता माना जाता रहा है। उनके द्वारा ऐसे बयान देना लोगों को दाल में काला नजर आता है। फजलुर ने मुजफ्फरबाद के जाने का संदेह खामखा व्यक्त नहीं किया है। उसके पीछे इमरान के पिछले कारनामे और उनकी वे बयान ब्याजियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान की साख चौपट ही नहीं की, बल्कि पूरे मुल्क में घबराहट भी कई गुना बढ़ा दी है। लोगों को आशंका है कि इमरान अपने कार्यकाल में पीओके को भारत को जरूर सौंप देंगे। वे नया पाकिस्तान के नाम पर केवल पंजाब को बचाकर रखना चाहते हैं, बाकी प्रांतों को भी अलग देश बनाने की रणनीति वे बनीगाला में बैठकर तय कर चुके हैं। इमरान पर मोदी से रकम ऐंठने के टोपीबाजों के आरोपों में दम नजर आता है, क्योंकि जिस तरह वे मजबूत साक्ष्य लेकर आए हैं वे इमरान पर संदेह जरूर उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इमरान खान ने कश्मीर के नाम पर पाक के तहमतबाजों को खूब उल्लू बनाया है। लोगों को याद है कि 5 अगस्त 2019 में मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर का स्टेटस खत्म किए जाने के बाद इमरान ने कई बड़ी घोषणाएं की थी। इसमें पहला बड़ा ऐलान यही था कि उन्होंने लोगों को एलएसी की तरफ कूच करने को कहा था, मगर 2 दिन बाद ही इमरान ने उसे वापस ले लिया। फिर उन्होंने विरोध के दूसरे तरीके की शुरुआत की थी, जिसमें तहमतबाजों को दोपहर की नमाज के बाद 30 मिनट के लिए गधैया नृत्य करने को कहा गया।
बाद में उस पर भी पलीता लग गया। यानी कहीं ना कहीं इमरान खान पिछले दरवाजे से भारत की मदद कर रहे थे और अपनी अनाड़ी जनता को पुचकार कर शांत करने में व्यस्त थे। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की इमरान सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यह भी है कि वह कश्मीर मुद्दे को ज्यादा मजबूती से दुनिया के सामने नहीं रख पाई, जबकि नौकर साहब ही थे, कूटनीतिक भी पुराने थे, ज्यादातर नेता भी पिछली सरकारों से आए थे, पर प्रधानमंत्री बिल्कुल अलग था। यह कैसे हुआ, यही सवाल पाकिस्तानियों के जहन में आज बकरी कुदान कर रहा है। जहां तक मदरसा कौम के अपने ही प्रधानमंत्री पर लगाए गए आरोपों पर भारत का नजरिया है तो वह बिल्कुल ही साफ है। भारत का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो केवल देश में ही नहीं पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है। फिर जिस देश की कमान ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति के हाथ में हो वह देश सदैव तरक्की करता है। पीएम मोदी क्या करते हैं या कर सकते हैं यह पढ़ पाना किसी के बूते की बात नहीं है, पर वह जो भी करते हैं भारत के लिए ही करते हैं, उसके स्वाभिमान को प्रेरक और अटल बनाने के लिए करते हैं। 1948 की टीस उन्होंने 5 अगस्त 2019 में एक झटके में ही खत्म कर दी। पीओके को लेकर पूरे भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है, यह अखंड भारत का भिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान इस हिस्से पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है। अब इस समस्या को न पाला जा सकता और न टाला जा सकता है। भारत ने इसे हासिल करने की टाइमलाइन 2019 के अंत तक रखी थी। हालांकि कोरोना महामारी ने इसे जरूर प्रभावित किया है, पर लगता यूं है कि मोदी सरकार का इरादा किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं हुआ है। जिस तरह से सीमाओं पर हलचल है और एलओसी के साथ एलएसी पर फोकस किया जा रहा है, उससे यही प्रतीत होता है कि चीन के साथ पाकिस्तान की भी सहमत आने वाली है। यानी इस बार केवल पीओके को ही भारत में शामिल करना लक्ष्य नहीं है, बल्कि इमरान के उस ख्वाब को पूर्ण करने पर जोर है जिसमें वह बनीगाला के शैनकक से पाकिस्तान में चार देशों की आजादी को देख रहे हैं। वैसे भी काफी वक्त से दुनिया में नए देश नहीं बने हैं। मोदी इसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानियों के तर्क पर यकीन कर ले तो इमरान के सहयोग से यह और भी आसान हो जाएगा। इसके बाद ही हांगकांग, कुर्दिस्तान, वियतनाम, बलूचिस्तान, सिंधु देश, पंजाब देश को मान्यता देने की भागदौड़ शुरू होगी। यह कोरी कल्पना इसलिए भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की बर्बादी का दायब अपने अंतिम चरण में है। इमरान ने पाकिस्तान को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां पीओके जाना तो निश्चित है ही, इस मदरसा मुल्क के चार टुकड़ों में विभाजित होने का वक्त भी करीब है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।